जितना उसके पास है, जितना उसके पास है या जितना कहीं से लेकर, या जितना कहीं से लेकर पूर्ति कर सकता है, या जितना कहीं से लेकर पूर्ति कर सकता है तो उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, तो उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। स्टॉक के मूल्य में या शेयर के मूल्य में, शेयर के मूल्य में प्रत्याशित कमी का लाभ उठाने के लिए, शेयर के मूल्य में प्रत्याशित कमी का लाभ उठाने के लिए अपनी धारिता या उपलब्धता से अधिक, अपनी धारिता या उपलब्धता से अधिक शेयर के मूल्य में प्रत्याशित कमी का, शेयर के मूल्य में प्रत्याशित कमी का लाभ उठाने के लिए, शेयर के मूल्य में प्रत्याशित कमी का लाभ उठाने के लिए अपनी धारिता या उपलब्धता से अधिक स्टॉक के, अपनी धारिता या उपलब्धता से अधिक स्टॉक के विक्रय का समझौता किया जाता है। विक्रय का समझौता किया जाता है यदि मूल्य में गिरावट हुई तो, यदि मूल्य में गिरावट हुई तो बाजार से क्रय द्वारा, यदि मूल्य में गिरावट हुई तो बाजार से क्रय के द्वारा आपूर्ति हो जाएगी, शॉर्ट सेलर को लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। और शॉर्ट सेलर को लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत 1992 में हुई। शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत 1992 में हुई, 1992 में हुई थी। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तमाम जिसमें बेचने वाला, जिसमें बेचने वाला जितना हर संभव स्रोत से, जिसमें बेचने वाला जितना हर संभव स्रोत से वह शेयर प्राप्त कर सकता है, हर संभव स्रोत से वह शेयर प्राप्त कर सकता है जो बेचने का समझौता करता है, और शेयर के मूल्य में कमी ना होने की स्थिति में, और शेयर के मूल्य में कमी ना होने की स्थिति में, और शेयर के मूल्य में कमी ना होने की स्थिति में शेयरों की आपूर्ति नहीं कर पाता, शेयरों की आपूर्ति नहीं कर पाता तो उसे, तो उसे नेकेड शॉर्ट, शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। मान लीजिए मार्केट में, तो उसे क्या कहते हैं, नेकेड शॉर्ट सेलिंग कहते हैं।
हम लोगों ने देखा था कि बाजार में मूल्य में कमी आ जाती है जब शेयरों में, तो क्या करता है कि शेयर बाजार से खरीद के लोगों को पहुंचा देता है, और हो सकता है कि शेयरों में मूल्य में कमी ना आए, उस स्थिति को क्या करते हैं कि वो तो बाजार से ले नहीं पाए, उसको क्या करते हैं नेकेड शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी में हो सकता है डेफिनेशन के तौर पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रख लीजिए आप लोग। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात आती है, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। जैसे हम लोग निकालते हैं कि मार्केट का कितना पूंजी है बाजार, तो उसके लिए बाजार का पूंजीकरण में देख रहा है कि बाजार में कितना शेयरों का दाम चल रहा है, कैसे उसका निर्धारण होगा। तो जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे उनमें जो उसका वर्तमान मूल्य होगा उसका गुणा कर देंगे, तो हमको क्या है कि बाजार का पूंजीकरण ज्ञात हो जाएगा। में हम इसको तीन चरणों में बांट सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को। देखो बगल से कुल शेयरों की संख्या गुणे कुल शेयरों को वर्तमान मूल्य, लार्ज कैप के अंतर्गत लार्ज कैप के अंतर्गत जो अधिकतम पूंजी है वो 10,000 करोड़ से अधिक होती है। नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए लिखिए 10,000 करोड़ से अधिक पूंजी जो होती है उसको लार्ज कैप कहते हैं। ये 10,000 करोड़ से अधिक से अधिक होती है, किंतु 2,500 करोड़ से क्या होता है कम होता है। और ये क्या है स्मॉल कैप, यानी कि 2,500 करोड़ से कम। ये अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेता पीसीएस में कि लार्ज कैप पूछ देख लीजिए का, 2-3 साल के बीच में एक क्वेश्चन आया था, तीनों का मान भी लिखा हुआ था। लार्ज कैप के अंतर्गत कितना कैपिटलाइजेशन है, मीडियम कैप के अंतर्गत और स्मॉल कैप के अंतर्गत। हो सकता है मिलाने को भी दे सकता है, किसी एक का पर्टिकुलर पूछ सकता है। तो
अब ये आपसे मैं पूछूंगा, इन दोनों शब्दों का नाम पिछली बार मैंने बताया भी था, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे बता देंगे इसको। फूल क्या है बियर के? हाँ तेजड़ी मंदिर में क्या है? भूल क्या है आपका? आप लोग पहले क्वेश्चन नहीं बनता है कि बुल्स और बियर शब्द का जो उल्लेख किया जाता है वो किस बाजार से संबंधित है, तो क्या है? शेयर मार्केट से संबंधित है। ठीक है, बुल्स क्या होते हैं? जो ये उम्मीद करते हैं कि अब शेयरों के दाम भविष्य में बढ़ेंगे। बियर जो होते हैं जो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि शेयरों के दाम मार्केट में गिरेंगे। इसमें आप लोगों किसी को कोई समस्या? इसको लिखाने की जरूरत तो नहीं मेरी समझ? देखे होंगे कहीं भी, देखेंगे लूसेंट में अभी छोटी सी बुक में देखेंगे बुल्स और बियर के बारे में लिखा होगा। बुल्स वे हैं जो ये उम्मीद करते हैं कि बाजार में अब शेयरों के दाम बढ़ने वाले और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? गिरने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, शायद मैंने बताया भी था कि जो बॉन्ड होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उनमें इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी कि विपरीत संबंध पाया जाता है। तो बुल्स वे हैं जो ये उम्मीद करते हैं कि बाजार में अब शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं, बाजार में शेयरों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। और बियर्स वे हैं जो उम्मीद करते हैं कि शेयरों के दाम अब बाजार में गिरने वाले हैं, ये लोग हमेशा। तो बुल्स क्या करते हैं? ये शेयरों को खरीदते हैं क्योंकि ये उम्मीद करते हैं कि शेयरों के दाम मार्केट में इस समय कम है और अब भविष्य में बढ़ेंगे। और ये क्या करते हैं? ये शेयर को बेचते हैं। ये शेयर को बेचते हैं और वो शेयर को खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शेयर को इसलिए बेचते हैं क्योंकि इनको ये है कि शेयर अब अधिकतम मूल्य प्राप्त हो चुका है, अब शेयर के दाम गिरेंगे, अब इससे ज्यादा शेयर के दाम नहीं बढ़ेंगे। ठीक, अब आप लोग क्रेडिट डाल लीजिए अगली BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लीजिए 1875 में ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व में सबसे ज्यादा सूचीबद्ध कंपनियों BSE में है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, जिनकी संख्या लगभग 6000 से ऊपर है, लगभग इसमें 6600 के आसपास हो गई है, जिनकी संख्या लगभग 6600 के आसपास। BSE को भारतीय पूंजी बाजार का BSE को भारतीय पूंजी बाजार का बैरोमीटर कहा जाता है। BSE को भारतीय पूंजी बाजार का बैरोमीटर कहा जाता है। इसमें 30 कंपनियां शामिल हैं। इसमें टॉप 30 कंपनियों को ऐसे लिख लीजिए, इसमें टॉप 30 कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। इसमें टॉप 30 कंपनियों को क्या कहते हैं? ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। ब्लू चिप
इसका मतलब यह है कि जो अभी जितने 6600 मैंने कंपनियों का नाम बताया उनमें से जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी, जिनकी सबसे ज़्यादा जिनका कैपिटलाइजेशन होगा, सबसे बड़ी कंपनियाँ होंगी, उन कंपनियों को क्या कहते हैं? ब्लू चिप कंपनियाँ कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया है कि इसको भारतीय पूंजी बाजार का क्या कहा जाता है? बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, इसके आधार पर यदि ये बीएससी का दाम बीएससी का रेट ये बढ़ा है, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था संकट आ रही है। अर्थव्यवस्था में क्या है कि ठीक ठाक स्थिति नहीं चल रही है, और यदि ये बढ़ रहा है इसका मतलब है कि बाजार में ठीक ठाक पूंजीकरण है और विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा। ठीक, अगला पॉइंट लिख दीजिए कि बीएससी का आधार वर्ष 1 अप्रैल 1979 है। बीएससी का आधार वर्ष 1 अप्रैल 1979 है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। स्थापना 1992 में हुई थी। इसमें बीएससी की 30 और प्लस 20 अदर ब्लू चिप है, और प्लस 20 जो बीएससी इन 30 में पहले तो इन 30 कंपनियां शामिल होती हैं, और प्लस 20 और जो मतलब जिनका ग्रोथ इन 30 कंपनियों से नीचे, इनको फिर भी टॉप 20 में आती है इन 30 के सिवाय। इसका मतलब एनएससी में 50 कंपनियां शामिल होती हैं। इसमें कितनी ब्लू चिप कंपनियां हैं? 50, 20 ये और 30 ये। अलग अलग इसलिए है कि जो पहले जो 30 कंपनियां हैं, ये बताओ कि जैसे मान लीजिए आपका भी जस्ट एग्जाम हुआ है, तो उसमें टॉप 30 बच्चे होंगे, लेकिन टॉप 30 के बाद भी तो टॉप 30 के बाद 20 और होंगे जिनका रैंक 50 के आसपास, वो 50 तक होगा, 31 से 50 के बीच में होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए आपके यहाँ 150-200 बच्चे हैं, 150-200 बच्चे कष्ट दे रहे हैं, तो जो टॉप 30 बच्चे होंगे वो क्या है कि बीएससी की ब्लू चिप है। ठीक है, और जो ये 20 है ये टॉप 30 में नहीं आ पाई है किंतु टॉप 50 में, इसीलिए अलग अलग इनको लिखा गया है कि बीएससी में जो टॉप 30 कंपनियां हैं उनको शामिल किया जाता है, और एनएससी में टॉप 30 प्लस 20 अदर को शामिल किया जाता है। ठीक, बात समझ में आई। इसका आधार वर्ष 1 अप्रैल 1995, इसका आधार वर्ष 1 अप्रैल 1995। एनएससी में एनएससी जो अभी लोग लिखे हैं आप लोग नेशनल स्टार्ट एनएससी में सूचीबद्ध शीर्षस्थ 100 कंपनियों में शीर्ष 50 निफ्टी है। इसमें जो शीर्षस्थ 50 है वो क्या निफ्टी है, और प्लस 50 के बाद जो अदर है वो क्या है? निफ्टी जूनियर।
इंडस्ट्री क्या है, इसमें जो टॉप 50 कंपनियां उनको निफ्टी कहा जाता है, और उसके बाद जो टॉप 50 के बाद जो 50 और कंपनियां उनको निफ्टी जूनियर कहा जाता है। ये कैसे निफ्टी था, अब अगली मीटिंग कर लीजिए एनएससी निफ्टी। निफ्टी क्या है, एनएससी के अंतर्गत जितनी कंपनियां हैं, लिख लीजिए एनएससी के अंतर्गत जितनी कंपनियां हैं, एनएससी के अंतर्गत जितनी कंपनियां हैं उनके पूंजीकरण को, उनके पूंजीकरण को, उनके पूंजीकरण को यदि डॉलर में परिवर्तित कर दिया जाए, यदि डॉलर में परिवर्तित कर दिया जाए, यदि डॉलर में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे एनएससी डिप्टी कहते हैं। BSC डॉलेक्स इसके अंतर्गत BSC के अंतर्गत जितने भी कंपनियां हैं, BSC के अंतर्गत जितनी भी कंपनियां हैं BSC के अंतर्गत जितनी भी कंपनियां हैं उनका उनके मूल्य को डॉलर में परिवर्तित करना है, उनके मूल्य को डॉलर में परिवर्तित करना है, उनके मूल्य को डॉलर में परिवर्तित करना है BSC डॉलेक्स कहलाता है, BSC डॉलेक्स कहलाता है। BIX ये चिंता नहीं किया सोच, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, वोलेटिलिटी का मतलब होता है परिवर्तनशीलता, द्वारा लॉन्च किया गया, NSE द्वारा लॉन्च किया गया, इसको 2008 में, अप्रैल 2008 में NSE द्वारा लॉन्च किया गया था। यह NSE निफ्टी, यह NSE निफ्टी, यह NSE निफ्टी परिवर्तनशीलता को, की परिवर्तनशीलता को किस दिनों की अवधि के लिए मापता है,
30 दिनों के 30 डेज की अवधि के लिए 30 दिनों की अवधि के लिए मापता है। एससी रियलाइज वैलिडिटी इंडेक्स इसको कह सकते हैं आरवीएक्स। एससी रियलाइज वैलिडिटी इंडेक्स इसको बीएससी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नवंबर 2010 में लॉन्च किया था। इसको बीएससी ने यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने नवंबर 2010 में नवंबर 2010 में लॉन्च किया था। यह सूचकांक बीएससी के सेंसेक्स की बीएससी के सेंसेक्स की परिवर्तनशीलता को सेंसेक्स की परिवर्तनशीलता की एक माह कामा दो माह कामा तीन माह की अवधि के लिए मापता है। एक माह दो माह कम तीन माह के लिए मापता है। अब आपको चेक कर लीजिए एडीआर जीडीआर आईडीआर Thank you.
इस समझ से इसका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है क्या, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, और तीसरा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है। लिखा भी तुमको थोड़ा बहुत, वैसे लिखाऊंगे तो समझ में कम आएगा, समझा तुमको तो शायद समझ जाए कि क्या है। देखिए एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, ये क्या है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई थी, जीडीआर की 1992 में, एडीआर की 1999 में, और भारत की 2010 में। ये क्या है एडीआर या जीडीआर दोनों एक ही तरफ कह सकते हैं, बस इसका फर्क ये है कि जब भी कोई कंपनी है वो क्या है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगी, लिस्टेड होगी। ये क्या है, ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, इसका मतलब ये है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कोई कभी कंपनी सूचीबद्ध कंपनी क्या होगी, लिस्टेड होगी। इसका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना जरूरी है, और ये GDR क्या है ग्लोबल मतलब लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इसका सूचीबद्ध होना आवश्यक होता है, यही इसकी शर्त है। अब मैं बता रहा हूँ है क्या IDR, ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, ठीक है, यानी कि हमारे भारत में इसका सूचीबद्ध होना आवश्यक है। देखिए मान लीजिए अभी तक क्या होता था कि जितनी भी शेयर मार्केट से जो भी हमारे यहाँ BSE है, NSE है, या भी और भी बहुत सारे शेयर मार्केट जो खुले हुए हैं वो क्या है भारत के रुपया में ही लेन देन करते हैं। अब मान लीजिए भारतीय कंपनी को विदेशी पूंजी की आवश्यकता है, तो जब भारतीय कंपनी को विदेशी पूंजी की आवश्यकता है तो BSE या NSE के माध्यम से तो नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इसमें क्या लेन देन किसमें रुपये में होता है। तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए हमें दूसरे देश से पूंजी की आवश्यकता है, ठीक है, तो हमारे देश का जो बैंक होगा, जो एक अधिकृत बैंक होगा, जो सरकार के लिए काम कर रहा होगा एक देश से दूसरे देश के लेन देन के लिए, तो हम अपने देश के बैंक को सूचना प्रदान करेंगे कि हमको क्या चाहिए विदेशी पूंजी की जरूरत है, ठीक है। तो वो जो बैंक हमारे यहाँ काम कर रहा होगा उसकी कोई शाखा क्या है विदेश में भी काम कर रही होगी, तो जो हमारे देश का बैंक है वो विदेश में जो शाखा काम कर रही है उसको सूचना प्रदान करेगा कि इस कंपनी को क्या है विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। तो फिर वो जो दूसरे देश में काम कर रही है तो कोई बैंक जो काम कर रहा है वह क्या करेगा कि वह जो वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, जो भारत के, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे या एडीआर एडीआर में निवेश करने के लिए क्या है कि उत्सुक है, वो क्या करेंगे उनको सूचना प्रदान करते हैं और वो क्या करते हैं वहाँ के बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो पैसा क्या होता है कि वहाँ का जो बैंक काम कर रहा होता है वो हमारे देश के बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है, और हमारे देश का बैंक जो है वो एक जो सूचीबद्ध कंपनी है जिसको विदेशी पूंजी की आवश्यकता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। मेरी बात आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत समझ में आई होगी कि कुल मिला के यह है कि जब एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब यह है कि हमें विदेशी पूंजी की आवश्यकता के लिए यह एक माध्यम है जिसके द्वारा विदेशी पूंजी प्राप्त की जा सकती है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई, विदेशी पूंजी का प्राप्त करने का माध्यम क्या है, हम अपने देश के बैंक को सूचना प्रदान करते हैं, हमारे देश का बैंक जो विदेशी संस्था में या विदेशी इकाई में काम कर रहा है वह वहाँ उसको उस बैंक को सूचना देता है, और वो क्या करते हैं कि वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं उनको सूचनाएं प्रदान करते हैं, और वो सूचनाएं क्या है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा वो बैंक हमारे देश के बैंक को देता है और हमारे देश का बैंक जो हमारे यहाँ लिस्टेड कंपनी है उसको प्रोवाइड करा देता है, ठीक। लिख लीजिए इसको, लिखा दोनों का काम सेम ही है, एडीआर ऑब्लिक जीडीआर, जैसे एडीआर ऑब्लिक जीडीआर
दोनों का काम सेम ही है, बस वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप का ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप। ठीक, एडीआर ऑब्लिक डीडीआर आर्थिक सुधारों के पश्चात, एडीआर डीडीआर आर्थिक सुधारों के पश्चात एक नई प्रणाली जिसके द्वारा भारतीय कंपनियों के विदेशी पूंजी प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा भारतीय कंपनियों की विदेशी पूंजी प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। भारतीय कंपनी द्वारा भारत में स्थित किसी बैंक के नाम पर शेयर जारी किए जाते हैं। जो डिपॉजिटरी की भूमिका निभाते हैं, ये जो डिपॉजिटरी लिखा हुआ है इसकी हिंदी कहते हैं निक्षेप, पता नहीं आप लोग इसको समझ पाएंगे कि नहीं, इसकी हिंदी है निक्षेप। जो डिपॉजिटरी या निक्षेप की भूमिका निभाते हैं इस बात की सूचना भारतीय कंपनी विदेश में स्थित एक निक्षेप को भी प्रदान करती है। भारतीय निक्षेप द्वारा विदेशी निक्षेप को अपने पास शेयर होने की सूचना सत्यापित किया जाता है। तत्पश्चात विदेशी निवेशकों के लिए डिपॉजिटरी जारी की जाती है। और साथ ही भारतीय कंपनी उस देश के स्टॉक एक्सचेंज स्वयं को सूचीबद्ध करती है।
पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। रिलायंस कंपनी जो है, रिलायंस वो जीडीआर में सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी, लिख लीजिए रिलायंस जीडीआर में सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी है। ये जीडीआर में सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी इन्फोसिस जो है, नाम सुने होंगे इसका, एडीआर में सूचित होने वाली पहली कंपनी रिलायंस कंपनी, जीडीआर में सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी और इन्फोसिस जो है वो एडीआर में सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी। इतना आप लोगों ने जो बताया था उसको समझ लीजिएगा, वही सारी चीजें लिखी हैं, हो सकता है इसकी शब्दावली आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आए, बस आप लोगों से मान लीजिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाता है बस इतना जान लीजिए इसका, ये विदेशी पूंजी प्राप्त करने का एक माध्यम है, एक कह सकते हैं कि साधन, कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विदेशी पूंजी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब तक मैं जो आप लोगों को इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बता रहा था उसी में हेडिंग डाल लीजिए इनसाइडर ट्रेडिंग या आंतरिक व्यापार, पिछली बार आते हैं इसलिए थोड़ा लिखा रहेगा तो मुझे भी याद है तब बताया, इसलिए आज डायरेक्ट लिखा रहा हूँ जानता हूँ। सेबी आंतरिक व्यापार प्रतिबंध आंतरिक व्यापार प्रतिबंध विनियमन आंतरिक व्यापार प्रतिबंध विनियमन 1992 आंतरिक व्यापार प्रतिबंध विनियमन 1992 का मतलब 2014 के अनुसार 2014 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी से संबंधित था अथवा है, कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी से संबंधित था अथवा है अथवा जिसे कंपनी से संबंधित अथवा जिसे कंपनी से संबंधित होने जैसा माना जाए अथवा जिसे कंपनी से संबंधित होने जैसा माना जाए तथा जिसे कंपनी के प्रतिभूतियों से संबंधित तथा जिसे कंपनी के प्रतिभूतियों से संबंधित अप्रकाशित कीमत संबंधी सूचना कीमत संवेदी सूचकांक तक
कीमत संवेदी सूचकांक पहुंच की पर्याप्त संभावना हो तथा जिसे कंपनी के प्रतिभूतियों से संबंधित अप्रत्याशित कीमत संबंधी संवेदना सूचकांक तक पहुंच की पर्याप्त संभावना हो अथवा जिसने इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की हो अथवा जिसने इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की हो अथवा जिसने इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की हो उसे इनसाइडर माना जाता है इसे इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसमें यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि इनसाइडर में क्या क्या लोग शामिल किए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मैंने लिखाया कि जो कंपनी से संबंधित था, मान लीजिए कि कोई कंपनी का कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया तो उस कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि उसको पहले से पता है इस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें। लिखा हुआ है कि कंपनी से संबंधित था, है ना, या कंपनी से संबंधित है, या कंपनी से संबंधित था भी नहीं और है भी नहीं, उसको उस कंपनी से संबंधित सारी जानकारियां हैं, या फिर ये भी नहीं है तो उसको सारी जानकारियां कहीं ना कहीं से प्राप्त हो गई है या उसको प्रत्याशा कर लिया है। तो इन सबको क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, यानी कि आंतरिक व्यापार कहते हैं। और ये क्या है कि इसके लिए एक कमेटी गठित की गई, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि आंतरिक व्यापार के अंतर्गत किन किन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ तक कि आंतरिक व्यापार में कुछ भी चीज़ों को नहीं छोड़ा गया, जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी का मेंबर हूँ तो मेरे जो सगे संबंधी हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है कि ये लोग भी यदि कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं तो इन लोगों को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे क्या होता है पूरा शेयर मार्केट कोलैप्स होने की स्थिति में आ जाता है। आप लोगों ने हर्षद मेहता का नाम सुना है? पिछली बार भी मैं जब आया था तो हर्षद मेहता का नाम लिया था, आप लोगों को शायद याद होगा। हर्षद मेहता क्या करते थे कि जहाँ शेयर मार्केट खुलता है बंद होता है वहाँ से चाय बेचने जाते थे, इतनी लेके और सिर्फ वहाँ पे जाके चाय बेचते थे और चाय बेच के सीधे चले आते थे। और इसके साथ ही सिर्फ चाय बेचते ही, वैसे भी चाय बेचने वालों का बहुत बड़ा रोल है हमारे भारत में, ठीक है, चाय बेचने वाले कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो उसी तरह चाय बेचने वालों में से वो भी था हर्षद मेहता। आप लोग कभी उनके बारे में हिस्ट्री पढ़िएगा तो शायद है कि एक समय इंडिया के 1992 के बाद वर्ल्ड पूरे भारत का सबसे रिचेस्ट पर्सन था चाय बेचने वाला, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग के बदौलत उसने ऐसे ऐसे लोगों को पोंजी स्कीम के तहत, अभी मैं आप लोगों को समय मिलेगा तो पोंजी स्कीम भी बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, इसी तरह इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू क्या किया कि शेयर मार्केट को सारी जानकारी लेके और शेयर मार्केट में पैसा लगा के और इतना बड़ा आदमी बन गया कि पूरे भारत का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन में से कोई था, तो था हर्षद मेहता, ठीक। तो उसी तरह इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जान लीजिए। और एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ सकता है, लिख लीजिए आगे उसी क्या भी लिख लीजिए, इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एनके सोनी की अध्यक्षता में, एनके सोनी लिखा हुआ है, एनके सोनी की अध्यक्षता में मार्च 2013 में एक कमेटी गठित की गई जिसने दिसंबर 2013 में अपनी रिपोर्ट दी।
ने दिसंबर 2013 में अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति की अनुशंसा पर इस समिति की अनुशंसा पर संबंधित व्यक्ति की परिभाषा को और अधिक विस्तृत किया गया व्यापक किया गया सुप्रीम कोर्ट। अब इसके अंतर्गत मंत्रियों सामान्य न्यायमूर्तियों चीफ जस्टिस होते हैं मंत्रियों सामान्य न्यायमूर्तियों तथा नीति निर्धारकों को भी जो पॉलिसी मेकर होते हैं तथा नीति निर्धारकों को भी इनसाइडर माना जाता है। जिनकी ऐसी सूचनाओं तक पहुंच हो संबंधित व्यक्तियों के निकट रिश्तेदार भी इनसाइडर की परिभाषा में आते हैं। अब ये चीज ये लाइन जो अभी लिखने जा रहा हूँ देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आप लोगों को याद करने लायक इस तरह के स्टेटमेंट में या कंटेंट में आप लोग तीन चार ऑप्शन दे सकते हैं तो उससे आप लोगों को ध्यान देना होगा इस चीज़ को। जो नीचे वाली लाइन है देखिए पहला क्या है कि मंत्रियां हैं मंत्री हैं या न्यायमूर्ति हैं या उससे संबंधित रिश्तेदार इनको भी शामिल किया गया। अब ये लाइन जो है लिख लीजिए परिभाषा में आते हैं इतना लिखे हैं कोई भी व्यक्ति जो संबंधित व्यापारिक लेन देन के छह माह पूर्व तक उस कंपनी से संबंधित रहा तो भी उसे आंतरिक व्यक्ति के रूप में रखा जाता है मतलब मान लीजिए हम तो भी उसे क्या है आंतरिक व्यक्ति के रूप में शामिल किया जाता है। मतलब उसको पता है कि अभी मुझे पता है कि ये सारे लेन देन जो भी है यदि वो 6 महीने पहले भी मैंने क्या है उस कंपनी को छोड़ दिया है या उस कंपनी से संबंध रखना छोड़ दिया है तभी भी मुझको 6 माह तक जब नहीं कंप्लीट हो जाएंगे तो इनसाइडर के अंतर्गत मुझको शामिल किया जाएगा क्योंकि हो सकता है कि मुझे आगे आने वाले 6 महीने तक की सूचनाएं इस कंपनी के बारे में पहले से पता ठीक है। फिर कई बार स्टेटमेंट के बाद कई क्वेश्चन इसमें आते हैं तो आप लोग सारे के पॉइंटों को अच्छे से ध्यान में रखते हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिए म्यूचुअल फंड या पारस्परिक निधि। इससे लिखते तो आज काफी थक गए होंगे नहीं थके कैपिटल मार्केट इतना बड़ा है उसके दो क्लासों में
खत्म करना बड़ा मुश्किल रहता है। म्यूचुअल फंड पूंजी बाजार का एक महत्वपूर्ण घटक है। म्यूचुअल फंड पूंजी बाजार का एक महत्वपूर्ण घटक है। इससे छोटे निवेशकों को पूंजी बाजार में निवेश करने को अवसर प्राप्त होते हैं। सेबी रेगुलेशन 1996 के अनुसार म्यूचुअल फंड का तात्पर्य म्यूचुअल फंड का तात्पर्य ऐसे फंड से जिसका गठन एक न्यास के रूप में किया गया है ताकि लोगों से या लोगों के वर्ग से यूनिट की बिक्री द्वारा कोष एकत्र किया जाए। जिसे एक या अधिक योजनाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों में निवेश किया जाए। जिसमें मुद्रा बाजार की भी प्रतिभूतियां शामिल हैं, मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां वही शामिल होंगी जो क्या होंगे, जिनकी समय अवधि कितनी होगी। कल बताया था मुद्रा बाजार की समय अवधि कितनी होती, आवाज आ रही थी, विलुप्त हो जा रही है, लाइट का कनेक्शन है, कम से कम इस तरह भेजो कि मेरे पास तक आ जाए। मैं जब बोलता हूँ तो वहां तक बीच में खत्म हो जाती है क्या मेरी आवाज, पीछे तक पहुंचती है ना। मुझे भी बता दीजिए म्यूचुअल फंड, अभी मैं कल आप लोगों को मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट के टाइम पीरियड के बारे में बताया था, कितनी होती है, 1 दिन से 364 दिन तक, ठीक है। इसका मतलब एक वर्ष से कम किया होती वो क्या कहते हैं मनी मार्केट, यानी कि म्यूचुअल फंड की वे जो मतलब फंड है जो एक वर्ष से कम किया अवधि का है तो उसको मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। आप लोग IPL देखते होंगे या फिर कोई भी कुछ भी देखते होंगे तो हमेशा म्यूचुअल फंड का कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट आता रहता है। तो आप लोगों को पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है, अभी लिखवा भी दिया हूँ थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगा हो।
देखिए म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कि म्यूचुअल फंड एक तरफ से कह सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए कि थोड़ी सी संपत्ति है, 500 रुपये है, 5,000 है, 2,000 है, 3,000 है, जो भी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है शेयर बाजार की, शेयर बाजार का या स्टॉक एक्सचेंज की आप बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, तो आप लोग चाहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगा, ठीक है, और उससे लाभ कमाना चाहते हैं। तो आप जैसे लोग छोटे छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं, छोटे छोटे जो निवेशक होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी राशि म्यूचुअल फंड में डालते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब म्यूचुअल पारस्परिक, मैंने भी डाला, आप लोग भी डाले, आप लोग भी डाले, सब लोगों ने क्या किया कि उसका क्या किया कि फंड डाला, तो मान लीजिए सबने 5,000 डाले, जितने लोग बैठे हुए तो कम से कम ना होगा तो 4-5 लाख इकट्ठा हो ही जाएगा पैसा। अब उस 4-5 लाख को जो म्यूचुअल फंड का जानकार होगा, इन्वेस्टर होगा, वो आपके पैसे को एक ऐसे जगह पे लगाने का प्रयास करेगा जिससे क्या हो, आपको लॉस बहुत ही कम हो और प्रॉफिट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा, कम से कम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो ना हो, कम से कम लॉस की संभावना तो बिल्कुल कम हो। आप लोग देख, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें लॉस हो सकता है। आप लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड लिखा रहता है टर्म एंड कंडीशन में, निवेश बाजार के अधीन है, इसमें भी कोई भी वित्तीय का मतलब आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन चूंकि अब मान लीजिए कि मुझे शेयर बाजार का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो यदि मैंने किसी शेयर बाजार में पैसा लगाया तो हो सकता है कि उसके लॉस के चांस ज़्यादा हो। लेकिन जो ऑलरेडी शेयर बाजार का काफ़ी ज्ञाता है या उसको सारी चीज़ों का जानकार है, तो आप क्या करते हैं कि उसके माध्यम से यदि पैसा लगवाते हैं तो आपके पास क्या होता है कि चांसेस कम होते हैं लॉस के। तो म्यूचुअल फंड वह फंड होता है जो किसी निवेशककर्ता द्वारा जिसको शेयर बाजार का काफ़ी ज्ञान है, वह आपके पैसे को क्या करता है, ऐसे जगह पर निवेश करता है जिसमें क्या हो, अधिक से अधिक आपको पारितोषिक मिल सके या रिटर्न मिल सके। अब आप लोगों को समझ में आया म्यूचुअल फंड क्या है? आप लोग हमेशा एडवर्टीजमेंट में देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, म्यूचुअल फंड में आप तो निवेश करते हैं तो आपको तो रिटर्न अच्छा मिलता है, ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते होंगे। तो कुल मिला के यह है कि जो आप पैसा लगा रहे हैं उसका अधिक से अधिक रिटर्न मिल सके, आपको सिक्योरिटी अच्छी रहे, आपका पैसा डूबने से बच सके, इन सब सारी चीज़ों को हिम्मत के लिए जो फंड होता है उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है गिल्ड फंड, इसको भी लिख देते एक लाइन की इसकी परिभाषा है गिल्ड फंड। म्यूचुअल फंड की एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत म्यूचुअल फंड की एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत कोष का निवेश केवल सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है, कोष का निवेश केवल सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है, इसका मतलब यह है कि जो आप लोग क्या कर रहे हैं, जो निवेश कर रहे हैं, वो चाहे तो आप प्राइवेट संस्था के रूप में कर सकते हैं निवेश प्राइवेट संस्था के ऊपर, या आप लोग कह सकते हैं जो सरकारी संस्थान होती है उनके ऊपर निवेश कर सकते हैं, या सार्वजनिक या सरकारी संस्थाओं के ऊपर उनके ऊपर निवेश कर सकते हैं। तो गिल्ड फंड का मतलब ये होता है कि ऐसे निवेश जो सिर्फ सार्वजनिक सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ही किया जा सके, यानी कि हम लोग सिर्फ सरकार की प्रतिभूतियों का ही लेन देन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको क्या कहते हैं, गिल्ड फंड कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी डायरेक्ट परिभाषा एक ही लाइन की है, पूछ दिया जाता है कि गिल्ड फंड है क्या,
तो जिसमें सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है या जितने भी लेन देन किए जाते हैं सिर्फ सरकार के प्रतिभूतियों के अंतर्गत किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, गिल्ट फंड कहते हैं। ठीक है, गिल्ट फंड क्या है, सरकार की प्रतिभूतियों के अंतर्गत जो भी निवेश किए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, गिल्ट फंड कहते हैं। आप एक लाइन की परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, सब कहीं ना कहीं एग्जाम में 100% पूछ लेता है। हिंदी आर्बिट्रेज ही है। आर्बिट्रेज लिख लीजिए इसको, एक ही समय में वो अलग अलग बाजारों में क्रय विक्रय करने की गतिविधि को तथा लाभ कमाने को एक ही समय में दो अलग अलग बाजारों में क्रय विक्रय करने की गतिविधि तथा लाभ कमाने को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज कहते हैं। दो अलग अलग बाजारों में क्रय विक्रय करने की गतिविधि को तथा लाभ कमाने को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज कहते हैं। हो सकता है लाइन आप लोगों को समझ में ना आई, क्या गई नहीं आई ना, देख आ गई क्या है लिखा हुआ है, समझाओ थोड़ा। हाँ, खरीदना बेचना, तो इसमें लाभ भी लिखा हुआ है, लाभ कमाना, वो तो जो तुम लिखा हुआ वही तो तुम पढ़ के सुना दिए बस, ओके जो लिखा हुआ वही पढ़ के सुना दिए। कहने का मतलब ये है जो लिखा हुआ है वो इस तरह समझ में आएगा। देखिए आर्बिट्रेज क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक तरफ से कहा जाए कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जो होते हैं उनकी वजह से क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी शेयर की कीमत क्या है, मान लीजिए किसी शेयर की कीमत भारत में कितनी है, सपोज 10 रुपये। ठीक, वही शेयर की कीमत श्रीलंका में कितनी है, 8 रुपये। ठीक, हमको पता है क्या, आप लोगों ने लिखा है कि ऐसी स्थिति जो एक ही समय में क्या है, क्रय विक्रय के द्वारा बाजार में लाभ कमाया जा सके। 10 रुपये कीमत कहाँ है, भारत में, 8 रुपये कीमत कहाँ है, श्रीलंका में। मैं क्या किया, 2 करोड़ शेयर खरीद लिए, छोटा मोटा नहीं खरीदा जाता, 2 करोड़ शेयर मैंने क्या किए, श्रीलंका में खरीदे उसी समय तत्काल। ठीक है, तो मुझे कितने खर्च करने पड़ेंगे, 16 करोड़ रुपये, है ना। और मैं क्या करूंगा, इन 8 करोड़ शेयरों को 10 रुपये के रेट में बेच दूंगा, तो मुझे क्या है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज कहते हैं। मतलब जहां पे शेयर के दाम कम है, जहां पे शेयर के मूल्य कम है, वहां से शेयर को खरीदना, और जहां पर शेयर के दाम अधिक है वहां पर शेयर को बेच देना, ये क्या कहलाता है, आर्बिट्रेज कहलाता है। और इस स्थिति से के द्वारा लाभ कमाना ही क्या कहलाता है, आर्बिट्रेज कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा ना पूछा जाए, तो ये पूछ सकता है आर्बिट्रेज का संबंध किससे है, तो आप लोग बताएंगे शेयर मार्केट से है या शेयर बाजार से है। वो क्या करते हैं, जहाँ सस्ते शेयर होते हैं वहां से शेयरों को क्रय करते हैं,
और जहाँ पर महंगे शेयर होते हैं वहाँ पर उसी समय अवधि में शेयरों को बेच देते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा वो तत्काल लाभ कमा लेते हैं। मुझे लग रहा है आज के लिए इतना काफ़ी था, काफ़ी आप लोग थक गए होंगे लिखते लिखाते। अभी कंप्लीट हुआ नहीं है वैसे शेयर मार्केट, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब आप इसको कंप्लीट ही मान लिया जाए, है ना। एज्यूम कर लेते हैं कि शेयर मार्केट कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत जो लिखाना होगा हो सकता है आधा आधा घंटा कम से कम एक घंटा अभी भी चल सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इस तरह की चीज़ें होंगी उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। बाकी कंप्लीट होने वाला तो कुछ नहीं है। अब मेन शेयर मार्केट में आए ही नहीं है, खाली मैं आप लोगों को शब्दावलियों के बारे में बताता हूँ। अभी हम लोग शेयर मार्केट पढ़ ही नहीं रहे, अभी हम लोग खाली क्या शब्दावलियाँ सीख रहे हैं कि ये शब्दावलियाँ होती, तब जाके हम लोग फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, स्पॉट मार्केट, डच पुट ऑप्शन, डच ऑप्शन, बिट रेट, आस्क रेट, ये सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ें तो जाके शेयर मार्केट के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन इन शब्दावलियों के द्वारा जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वहाँ लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं और मैं खत्म कर देता हूँ। हालांकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं इन्हीं शब्दावलियों के, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इनकी शब्दावलियाँ भी आप लोग जान लीजिए तो वही बहुत, बाकी की चीज़ें बहुत की बात है, शब्दावलियों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे उतनी नहीं बढ़ते।